दोस्तों, ये कहानी एक सेठ और एक तोते की है। एक सेठ और सेठानी प्रतिदिन सत्संग में जाते थे। सेठ जी ने अपने घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन सेठ से पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। तो सेठ जी सत्संग में जाकर सत्संग खत्म होने के बाद संत महात्मा से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो पिंजरे से आजाद कब होगा। तो संत महात्मा जी सेठ का ऐसा प्रश्न सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। सेठ जैसे ही घर आता है तो तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत महात्मा ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरे किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी का प्रश्न पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। तो दूसरे दिन जब सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं, तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो एकदम से उड़कर आकाश में चला जाता है। तो सेठ ऐसा देखकर बड़ा हैरान हुआ और फिर सत्संग चला गया। सत्संग जाते ही संत महात्मा सेठ जी से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, तो अब वो तोता कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए। और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं, उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए।